हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप साथ शेयर करने वाली हूँ रियल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक गाइस, एंड गेट रेडी विथ मी। तो मैं जा रही थी वेडिंग फंक्शन में, जिसका ब्लॉग वगैरह तो आपने बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन ये वीडियो मैं बना के रखी थी जो मैंने शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और एकदम रियल मेकअप होने वाला है। कोई भी होता ना कैमरे के लिए हम लोग जब करते तो एक्स्ट्रा करते, बट ये प्रॉपर रियल होने वाला है। ओके, तो शुगर का मैंने प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, देन उसके बाद अपने आईब्रोज को अच्छी तरीके से फिल किया स्विस ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल के साथ, जैसा कि आप देख ही सकते हो। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया फाउंडेशन, लाइक मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जो मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो है मैं उसको ख़त्म कर रही हूँ ताकि मैं फिर से नया ले सकूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये स्किन लाइक फिनिश देता है और कवरेज भी तो अच्छा दे देता है, और एकदम लाइट वेट है ना, इसकी वजह से मुझे फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छे तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करके देन उसके बाद अच्छे तरीके से ब्लेंड ब्लेंड करूँगी। मेरे बैकग्राउंड में कोई ना कोई जाता आता रहेगा, क्योंकि सब रेडी हो रहे थे, पूरी फैमिली जा रही थी इसके लिए, तो दीदी भी आ रही थी, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हो उसका आई मेकअप। एंड मैं शॉर्ट भी शेयर करूँगी ना, तो शॉर्ट में आप देखना मैंने किया था कुछ कुछ मेकअप दीदी का, कुछ कुछ दीदी ने अपने से किया था। तो मिलजुल के सब लोग फटाफट रेडी हो रहे थे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, ये NYBA का कंसीलर है। अब मेकअप जब आप करते हो ना तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट थोड़ा देर बाद जब मेकअप प्रॉपर सेटल हो जाता है ना, तब मेकअप का होता ना अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग मेकअप निकालने जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है यार मेकअप तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों निकालें, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तुरंत तुरंत कभी जज ना करें कि हमारा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उसको सेटल होने दे। और ये देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरे भाई के नाक से पानी गिर रहा है, फेस से पानी गिर रहा है, क्योंकि वो जस्ट फेस वॉश करके आया था, उसके बाद मैं कर रही थी मेकअप, तो मैंने ध्यान उसके ऊपर था ही नहीं, और वो देखो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहा था। सब कॉमेडी है मेरे घर में, सब कॉमेडी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्स का 3-in-1 फेस पैलेट लिया है, जिसमें आपको ब्रॉन्जर, ब्लश और हाइलाइटर तीनों मिल जाता है। ये मेरे दीदी का है, मार्स का ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपना भी लेकर आई थी, लेकिन मैंने सोचा वीडियो में थोड़ा सा अलग शेयर करती हूँ, क्योंकि अपना प्रोडक्ट तो हम हमेशा ही शेयर करते हैं, तो क्यों ना दीदी का ही शेयर करूँ। तो फेस मेकअप के लिए और आई मेकअप के लिए मैंने दीदी का ही दोनों पैलेट यूज़ किया है। ओके, तो अच्छे तरीके से फेस को मैं ब्रॉन्जर कर रही हूँ रियल तरीके से। तो बहुत कुछ आपको कैमरे में नहीं पता चलेगा, लेकिन रियल में वो पता चल रहा था। तो रियल मेकअप और रील मेकअप में अंतर होता ही है, चाहे कुछ भी कर लो। और सेम उसी में से मैंने ब्लश लिया, जैसा कि आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैंने ब्लश अप्लाई किया था। अब वीडियो के लिए हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं जो रियल में अच्छा नहीं लगता है, समझे, तो थोड़ा तो डिफरेंट होता ही है। तो पूरे फेस मतलब चीक पे मैंने अच्छी तरीके से ब्लश अप्लाई कर लिया, एंड सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया है, तो हाइलाइटर भी बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी, सेम यही हाइलाइटर। ओके, एंड थोड़ा सा कैमरा का एंगल अलग है, बट मुझे कहीं जगह नहीं मिला था अच्छी तरीके से, तो मुझे अच्छा जगह यही मिला था, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है इसकी वजह से। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही शेयर कर देते, स्पेशली मेकअप ही शेयर करना था। और उसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप, उसके लिए मैंने मार्स का ही पैलेट लिया, ये भी दीदी का ही पैलेट है। इसमें से मैं लाइट ग्रीन सा शेड लूँगी, जो मैं अपने क्या बोलते हैं ट्रांजिशन सेट की तरह भी यूज़ करूँगी, और क्रीज लाइन पर भी अच्छी तरीके से यूज़ करूँगी। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि गाड़ी यहाँ दिनों रात चलता है तो आवाज़ तो आना ही है, तो लेकिन वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी था, इसके लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अच्छी तरीके से अपने आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे रियल मेकअप हो चाहे रियल मेकअप हो। ओके, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शिमर शेड ले रही हूँ, वो भी लाइट ग्रीन सा ही ले रही हूँ, जो मैं दिखाना शायद भूल गई। फिर उसके बाद मैं सेम पैलेट से ही डार्क ग्रीन वाला शेड ले रही हूँ आउटर वी पे अप्लाई करने के लिए, ताकि क्योंकि डार्क शेड ना आउटर वी पे होना चाहिए ताकि आई मेकअप प्रॉपरली अच्छी तरीके से दिखे। ओके, सो अच्छे तरीके से मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, और सेम वही डार्क ग्रीन वाला शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं बीच बीच में चाय भी पी रही थी, क्योंकि चाय बना था इसके लिए पी रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ काजल अप्लाई कर रही हूँ, लैक्मी का काजल, क्योंकि लैक्मी का ही काजल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर ले रही हूँ, मार्स का ही आईलाइनर ले रही हूँ, जैसा कि आप देख सकती हो। सॉरी, ये मार्स का नहीं, ये स्विस ब्यूटी का आईलाइनर है, क्योंकि जो 2-in-1 है ना आईलाइनर प्लस मस्कारा, ये उसमें से ही आईलाइनर है। और सेम मैं मस्कारा भी ले रही हूँ उसी पैलेट से। लिपस्टिक मैं ले रही हूँ दूसरा कोई, ये दीदी का ही लिपस्टिक था, मुझे ब्रांड नहीं पता, बट रेड शेड था, काफ़ी अच्छा था, तो मैं यही ले रही हूँ लिपस्टिक। और स्विस ब्यूटी के मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ
अच्छी तरीके से मेकअप को सेट कर लेंगे। अब उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है अपने होता ना बाल को खोलना, बाल बनाने ज़्यादा तो खोलने में मेहनत लग गया था, जिसके लिए मैं भाई और मम्मी तीनों लोग मिल के बाल खोल रहे थे, क्योंकि मैंने होता ना चोटियाँ किया था एकदम बहुत ही पतला, उसको खोलने में काफ़ी दिक्कत हो था, काफ़ी टाइम लग रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरा भाई किया था, मम्मी की थी, मैं तो एक दो ही चोटी खोली थी क्योंकि मैं बाकी अपना होता ना बिंदी वगैरह ये सब लगा रही थी। सो ये था मेरा फुल एंड फाइनल लुक। कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।